नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बाइक चलाते समय एक अच्छे हेलमेट का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। अच्छा हेलमेट दुर्घटना के समय नुकसान को कम कर देता है। कई बार तो राइडर की जान सिर्फ अच्छे हेलमेट की वजह से बच जाती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि थोड़े से रुपयों के चक्कर में लोग सड़क पर कहीं से भी सस्ता हेलमेट खरीद लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश में बिना ISI मार्क वाला हेलमेट बेचने या खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अगर आप बिना BIS सर्टिफिकेट वाला हेलमेट पहनकर निकलते हैं तो आपका चालान हो सकता है। ऐसे हेलमेट खरीदने या बेचने पर भी जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 26 नवंबर 2020 को दोपहिया मोटर वाहन सवारों के लिए हेलमेट आदेश 2020 की अधिसूचना जारी की थी। इसमें सभी दोपहिया हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणित होना अनिवार्य किया गया था। अब यह आदेश 1 जून से देश में प्रभावी हो गया है। केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक अगर कोई बिना ISI मार्क वाले हेलमेट को बेचता है या खरीदता है तो दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई भी शख्स बिना ISI मार्क का हेलमेट बनाता है या उसकी खरीद या बिक्री में लिप्त पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की कैद और अधिकतम 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। सड़क सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े कंज्यूमर फोरम उत्प्रेरित के चीफ ट्रस्टी संदीप सूद ने कहा कि WHO के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 3 लाख से अधिक लोग मरते हैं। सच्चाई है कि भारत में हर एक घंटे में 423 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है। सरकार इस कदम के जरिए घटिया हेलमेट के कारण जानलेवा सड़क हादसों और मौतों को कम करना चाहती है, लिहाजा अब इन गैर ISI हेलमेट की बिक्री और स्टॉक करना एक गंभीर अपराध के तौर पर दर्ज किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।